राजनीति में मुद्दों की आंच पर बयानों की राजनीतिक रोटियां सेकने का चलन अब आम हो गया है। एक और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए भारत बचाओ रैली बुलाई। रैली का आयोजन किया गया जमकर। बीजेपी पार्टी पर सरकार पर जुबानी हमले किए गए। बीजेपी नेताओं ने भी अपना बयान रूपी ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है, लेकिन अब इस बयानबाजी के महासंग्राम में कई बड़े सियासी योद्धा उतर आए हैं, हिस्सा बने हैं इस महासंग्राम का। दिखाएंगे आपको रिपोर्ट में। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। सच बोलने के लिए मरते दम तक नहीं मांगूंगा माफी। भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कुछ इन्हीं शब्दों के साथ राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अब बन चुका है वो है मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। ऐसा लग रहा था कि मानो बीजेपी के नेता राहुल गांधी के किसी ऐसे ही बयान का इंतजार कर रहे थे। और इस बयान के बाद अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए ये तक कह दिया कि राहुल गांधी ने गांधी सरनेम भी चुरा रखा है। गांधी नाम चुराया हुआ, उसके दादा का नाम था फिरोज जहांगीर गैंडी, उस हिसाब से इसका नाम होना चाहिए राहुल गैंडी। तो गांधी नाम चुराया हुआ, और सावरकर के तो ये एक बाल के बराबर नहीं है। इस खानदान को सावरकर का नाम लेने की भी इजाजत नहीं है। ये अपने आप को सावरकर कैसे अपने नाम के साथ जोड़ सकते। तो इसके बाद बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर भी पीछे ना रहे और उन्होंने भी सावरकर वाले बयान पर विरोध किया। कुछ लोग अपने परिवार और एक परिवार से आगे बढ़कर नहीं देखते, उनको बाकियों का योगदान नज़र नहीं आता। भारत की आज़ादी में जिनका योगदान रहा, जिन्होंने जेलें भुगती, अगर उनके बारे में भी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, इस तरह के विचार कांग्रेस पार्टी रखती है तो ये निंदनीय है। लेकिन मुझे लगता है ये सेना उनके महाराष्ट्र के सहयोगियों को भी देखना होगा कि क्या वो उनके विचार से सहमत हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या वो बने रहना चाहते हैं। और अगर इस तरह के विचार केवल राजनीति के लिए किए जाएंगे तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया भारत की आज़ादी के लिए, आज भ्रष्ट लोग उनके ऊपर आरोप लगाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की दोस्ती देश की सियासत का एक अनूठा प्रयोग है। विचारधारा के मामले में दो ध्रुव पर रही दो पार्टियां महाराष्ट्र में सत्ता के लिए साथ आई और इन दोनों पार्टियों के बीच सावरकर वो बिंदु है जहां आकर दोनों की राजनीति पूरी तरह एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। इस बात पर अब शिवसेना तिलमिला गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें नसीहत दी है। संजय राउत ने ट्वीट किया कि सभी महानायकों का सम्मान होना चाहिए। सावरकर को लेकर उन्होंने कहा कि वो पूरे देश के लिए गौरव है। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी की तरह सावरकर ने भी देश के लिए बलिदान दिया। सावरकर नाम में राष्ट्र अभिमान और स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि इस देवता का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। तो वही मायावती ने भी रविवार को ट्वीट कर कहा, शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर अभी भी कायम है, इसलिए उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया और सावरकर को लेकर भी कांग्रेस का ये रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि अब राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि ये बयानबाजी कब तक जारी रहती है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।